हेलो दोस्तों, एमआरएसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही खास वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फर्स्ट टाइम गल्फ कंट्री में हम जॉब करने के लिए कैसे आ सकते हैं। गल्फ कंट्री हो या यूरोप कंट्री हो, इंडिया से बाहर कहीं पर भी जॉब करने के लिए क्या प्रोसीजर करना पड़ता है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, आप किस तरह से आप आ सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप अपने बारे में बताइए, आप बाहर कैसे आए, क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पहली बार आने के लिए और सही जगह पे आप कैसे आ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि आने के लिए तो आ जाते हैं लेकिन गलत जगह पे फंस जाते हैं, तो अभी प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्ट टाइम आने के लिए क्या हमें सही तरीका क्या है, किस तरह से हम आए तो ज़्यादा सेफ रहेंगे, फंसेंगे नहीं, और अगर बाई चांस अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ही होता है तो हम कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है, हमको फर्स्ट विदेश आने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। ऐसे तो ऑलरेडी आपको मालूम है आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए पासपोर्ट जरूरत पड़ती है, लेकिन हम प्रोसीजर शुरू से बता रहे हैं इसलिए हम बता दिए आपको। पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट में भी दो तरह से पासपोर्ट बनता है, एक ECR एक ECNR, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और इमिग्रेशन सर्टिफिकेट नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बारे में भी एक लंबा टॉपिक है, लेकिन आप सीधा जानिए कि ये ECR और ECNR क्या है। एग्जाम में ECR जो है आप विदाउट मैट्रिक किए इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, ECR को। लेकिन ECR को बनाने के लिए आपको कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 10th चाहिए, 10th प्लस आपको होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। तो बहुत सारा जब कंपनी इंटरव्यू के लिए आती है ना इंडिया में, और बहुत सारे ऑफिस वाले क्या करते हैं कि पहले से ही रिकमेंडेड कर देते हैं कि हमें ECNR पासपोर्ट चाहिए, समझ गए। तो वहां पे आप ECR पासपोर्ट आपके पास है तो आप नहीं लगा सकते हैं, ECNR वाले को ही एक्सेप्ट करता है कहीं कहीं, तो आप कहीं कहीं पे दोनों एक्सेप्ट करता है। तो अगर आप आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, अगर आप पढ़े हैं एकेडमिक से, तो आप 10th का सर्टिफिकेट शो करके आप उसको आप ECNR बना सकते हैं। ECR बेहतर होगा कि आप ECNR कर लें हर जगह पे। और कुछ इसमें और क्या होता है कि बहुत सारा कंट्री इसमें नहीं जा सकते हैं, आप ECR से बहुत सारे कंट्री नहीं जा सकते हैं, जो कि ECNR से आप वो कंट्री भी जा सकते हैं। सेकेंड आपके पास क्या होना चाहिए, वीजा होना चाहिए उस कंट्री में जाने के लिए। और वीजा के लिए क्या है, वीजा भी दो तरह का होता है, समझिए, एक होता है टूरिस्ट वीजा और दूसरा एक वर्किंग रिलेटेड वीजा होता है, मल्टीपल वीजा भी जिसको बोला जाता है। तो हमारे पास वो होना चाहिए वर्किंग वीजा। वर्किंग वीजा कैसे मिलेगा, उसके लिए कोई कंपनी से आपको वो वीजा मिलेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि क्लाइंट इंटरव्यू लेता है, या किसी का कोई फ्रेंड या किसी का दोस्त बाहर में है, जो भी फादर हैं, एनी रिलेटिव हैं, तो वो कभी कभी कंपनी में बात करके डायरेक्ट वीजा प्रोवाइड कर देते हैं, वो अपने दोस्त को मंगा लेते हैं। लेकिन ऐसे भी आपको बराबर इंटरव्यू होते रहता है, बहुत बड़े बड़े सिटीज हैं जहाँ पे, या नॉर्मल सिटी में भी अभी तो हर जगह पर इंटरव्यू होता है, लेकिन उसमें भी देखना है कौन सा अच्छा ऑफिस है, उस ऑफिस का मतलब बेनिफिट कैसा है, रिपोर्ट लोग जाते हैं तो क्या उसका स्टेटस है, उस देख करके ही ऑफिस में आप इंटरव्यू दें। जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, फिर जिस स्टेट से हैं, जैसे बिहार में है तो पटना से, झारखंड में है, रांची में होता है, इस तरह से जमशेदपुर में होता है, इस तरह से मतलब सब जगह पे अवेलेबल है अपना क्लाइंट इंटरव्यू होता है। तो ये हमें सेकंड वीजा चाहिए। थर्ड आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, ये ECNR वाले के लिए। और खास करके टेक्निकल, अगर आप किसी भी जॉब में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं या अपना मैकेनिकल से हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक से हैं, जिस फील्ड से हैं, AC से हैं, तो आपको क्या है एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्लस टेक्निकल क्वालिफिकेशन, वो तो आपको चाहिए। थर्ड आपको क्या चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, ओके। फोर्थ आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो भी आपके हुए हैं, मान लीजिए डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं, BTEC किए हैं, जो भी हैं आप उसको भी आपको शो करना है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। पांच आपका क्या है, कंप्यूटर नॉलेज, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास इसका नॉलेज है आपको, तो नॉर्मली सब लोग को नॉलेज होता है, ये डाल देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, उससे थोड़ा सैलरी वगैरह क्लाइंट जो है ना इंप्रूवमेंट करके लगाता है, ये डाल दें तो ज्यादा बेहतर है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, कितना साल आप काम किए हैं, जितना साल का आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, तो वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट क्या है, 21 से 45 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 45 के बाद भी लोग आते हैं, लेकिन जो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं गल्फ में, वो
वो कंटिन्यूअसली आ जाते हैं, बट ऐसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं फर्स्ट टाइम आने के लिए, तो आपको 21 to 25 सॉरी 45 के बीच में होना चाहिए, और कम से कम मिनिमम जो फर्स्ट जो आ रहे हैं ना, मिनिमम उनको 3 इयर्स एक्सपीरियंस शो करना होगा, जो है ना आप जो रिज्यूम देंगे बायोडाटा देंगे उसमें 3 इयर्स एक्सपीरियंस शो करना होगा। कभी भी बायोडाटा जो है ना बहुत सारा लंबा लंबा पेज में ना करें, जो भी आपका जो मतलब मेन मेन चीज जो आप किए हुए हैं जितना एक्सपीरियंस है वो फर्स्ट पेज जो होता है ना, फर्स्ट पेज में आप पूरा बायोडाटा में मेंशन कर दें कि क्लाइंट एक बार में उस चीज को पढ़ के समझ जाए कि हाँ इसके पास कितना कितना क्या प्रोसेस है, क्या नॉलेज है। मालूम चला 4-5 पेज बनाती है तो उतना उसके पास पढ़ने टाइम नहीं रहता ना, 50, 100, 200, 500 लोग का इंटरव्यू ले रहा है तो कैसे पढ़ेगा। वो भी बात सही है, इसलिए फर्स्ट पेज में ही सब कुछ आप डाल दें। अभी क्या है कि लोग बहुत सारे पूछ रहे हैं कि हमें नॉलेज से मतलब उतना ज्यादा नहीं है या ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत सारे मतलब प्रश्न भी बात बोल रहे थे। देखिए गल्फ कंट्री में क्या होता है कि आपके पास नॉलेज 100% नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, और है तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास जितना नॉलेज है आप थोड़ा थ्योरेटिकल रखिए, प्रैक्टिकल रखिए, कुछ यूट्यूब वगैरह भी तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन हो गया है, उसके जरिए आप तैयारी कर सकते हैं और थोड़ा वर्क आप काम कर लीजिए। बाकी आप इधर आते हैं किसी भी आप लिमिटेड ऑफिस से, अच्छे ऑफिस से आते हैं या क्लाइंट इंटरव्यू लेता है तो एक एग्रीमेंट करता है, ठीक है ना। वो एग्रीमेंट में क्या होता है कि कितना आवर्स आपका ड्यूटी है, कितना दिन आपका छुट्टी है, कितना साल में आप रिटर्न आ सकते हैं, वो कंपनी आने का आपको मतलब फ्लाइट का टिकट देगी या आपका खुद का है, टोटल मेंशन उसमें किया रहता है आपका एग्रीमेंट पेपर में। वो एग्रीमेंट पेपर जो है आपका एक तरह से प्रूफ है, और उस एग्रीमेंट पेपर के हिसाब से आप गल्फ कंट्री में आ गए, उसके बाद अगर किसी तरह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, तो हर कंट्री में हर देश का एक एक एम्बेसी बैठा रहता है, एम्बेसी रहता है, जैसे अपना इंडियन एम्बेसी रहेगा यहाँ पे सब जगह पे, अपना गल्फ कंट्री जो भी है यूरोप कंट्री सब जगह पे है, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उस एग्रीमेंट को लेकर के वहां पे जा सकते हैं, उसके जरिए आप फाइट कर सकते हैं। ऐसे तो नॉर्मली होता नहीं है, बहुत रेयर केस में ऐसा सब कुछ सिचुएशन होता है। अगर आप आए हैं ऑफिस के जरिए या क्लाइंट के जरिए आप आए हैं तो ये सिचुएशन तो बहुत कम ही आता है, फिर भी आपको मैं वो प्रोसीजर बता दिया कि ये आपके साथ आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इधर में आने के बाद कम से कम 3 महीने तक उसको सीनियर टेक्नीशियन या सीनियर लोग के साथ में वो सब रखा जाता है, उसको रखते हैं साथ में भेजते हैं कि इसका कैसा मतलब अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 3 महीना में कैसे भी आप नॉर्मली आप आए, अगर कम नॉलेज है तो उसको ऑब्जर्व करना चाहें, आप जल्दी जल्दी उस चीज को सीखें, काम मेहनत करें, कम से कम फिर से हमारा इंटरव्यू ले तो किसी तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप उस चीज को क्लियर करने का सोचें आने के बाद। और जल्दी कंपनी हटाती नहीं है, उसको भेजती नहीं है, डर फालतू का है कि मतलब हमारे पास काम का अगर नहीं कर पाए तो हमको कंपनी भेज देगी, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कंपनी क्या है, बहुत सारा खर्च करके आपको लेके आती है ना, आपको कंपनी आपको लाने के पीछे वो यहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स करती है, वो टैक्स पे करती है, और उसको लाने में बहुत सारा प्रोसीजर लगता है तो उसको खर्च पड़ती है। लेकिन कंपनी क्या है, कभी भी वीजा जो है फ्री निकालती है, लेकिन हमसे ऑफिस वाला पैसा लेता है। क्यों लेता है, अब उसके पास उतना मैन पावर रखा है, ऑफिस रखा है, इंटरव्यू करा रहा है, बहुत सारा कुछ प्रोसीजर उसका भी है, और जो क्लाइंट आ रहा है वो क्लाइंट को अपने पास बुला रहा है, जाके ना कि दूसरे ऑफिस में जाए, तो उसका इंटरनल ही मामला है। तो बहुत सारा ऑफिस अपने हिसाब से लेता है, कोई 30 लेता है, कोई 40 लेता है, 50 लेता है, 20 लेता है, कोई कोई फ्री भी प्रोवाइड करता है, तो वो आप देख लेंगे अपने हिसाब से। और बेहतर होगा फर्स्ट टाइम अगर आप आना चाहते हैं तो मुंबई में बहुत सारा ऑफिस है जो अच्छा ऑफिस है, और वहाँ पे एक असाइनमेंट पेपर आता है, उसमें रिक्वायरमेंट निकलते रहता है बराबर बहुत सारा ऑफिस का, एवरी डे का कितना कितना रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए एसी टेक्नीशियन है तो कितना रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल कितना रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं और उस हिसाब से आप आए। बाकी एक्सपीरियंस को कितना शो करना है, कैसे शो करना, थोड़ा आपका फ्रेंड सर्कल अगर गल्फ में रहते होंगे या कोई आपका अपना रिलेटिव है तो उसके से भी आप बात कर लें कि किस तरह से एक्सपीरियंस को हम शो करें, किस तरह से पेपर बनाएं, मतलब ये आपको इतना चाहिए इस तरह से, तब आप जो है गल्फ कंट्री में जॉब के लिए आ सकते हैं। और कंपनी ऐसे नॉर्मली हटाती नहीं है, आपको टाइम देती है, समय देती है, और एकदम ही मतलब अगर आपको सैलरी ज्यादा मिलेगा कि आ गई है और आप कुछ काम के नहीं है उसके पास, तब वो क्या है वो टर्मिनेट आपको करने का, उसको 3 मंथ्स के अंदर टर्मिनेट आपको फिर वो करती है, तब वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगी, वो आपको सीधा भेज देगी। लेकिन अगर 3 मंथ्स होने के बाद
जैसे 2 साल के आप एग्रीमेंट किए, अब 3 मंथ आप पार हो गए, तो उसके बाद अगर कंपनी टर्मिनेट करती है तो उसमें एक ऑप्शन रहता है कि टर्मिनेट करेगी तो आपको 3 महीना का सैलरी पेड करके भेजेगी या फुल सैलरी पेड करके भेजेगी 2 साल का, वो कुछ प्रोसीजर रहता है उसमें लिखा हुआ रहता है। तो मतलब 3 महीना तक आपको जो है, 3 महीना किसी में 6 महीना ऐसा ऐसा भी करके कंपनी को जो है रिकमेंडेड किया रहता है, तो उस चीज को हमको देखना है। तो यही था आज का जो हमारा टॉपिक था, यही था। फिर भी और अगर आपको कुछ डाउट्स नजर आ रहा है, कुछ और नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम उस चीज के बारे में बताएंगे। तो फिलहाल तो इतना चाहिए आने के लिए, चलिए जैसा हो आप लोग मैसेज करें अगर अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट वीडियो जो है हम उसमें आपको बताने वाले हैं कि सुपरवाइजर के लिए इंटरव्यू कैसे होता है, फिर इंजीनियर के लिए कैसे होता है, टेक्नीशियन के लिए कैसे होता है, सीनियर टेक्नीशियन कैसे होता है, साइड इंचार्ज कैसे होता है। अगर आपको इसके बारे में भी जानकारी चाहिए, अगर आपको इसके बारे में क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए किस तरह से होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। तो लोगों का अगर ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो उस पर भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे। चलिए फिर आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में दूसरे वीडियो के साथ।